नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे गठबंधन की दरारें भी साफ दिखने लगी हैं। हालांकि कांग्रेस और सपा में मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर विवाद के बाद बड़ी दूरियां अब मिटती हुई नजर आ रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस मामले पर नरम पड़ने के बाद अब दोनों दलों की तल्खियां को मिटाने के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने हाथ बढ़ा दिया है। इस कड़ी में अजय राय जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मुलाकात करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीतापुर जेल प्रशासन को अजय राय से मिलने जाने का पत्र भी भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अजय राय के साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग भी आजम खान से मिलने जाएंगे। अजय राय गुरुवार सुबह 11 बजे लखनऊ पार्टी दफ्तर से सीतापुर के लिए रवाना होंगे। आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को 7 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। तीनों को कोर्ट से सीधा रामपुर जेल से ले जाया गया था। हालांकि बीते रविवार को आजम खान को सीतापुर और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। इस दौरान आजम खान ने एनकाउंटर की आशंका जताते हुए कहा था कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। वहीं आजम खान को लेकर सपा और कांग्रेस ने एक सुर में बीजेपी सरकार की आलोचना की है। अखिलेश यादव ने कहा था कि आजम खान और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का खेल खेला जा रहा है। जेल में शिफ्ट करने को लेकर भी उन्होंने योगी सरकार की जमकर आलोचना की थी। कांग्रेस आजम खान के मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से एक्टिव है। आजम खान पर चल रही कार्रवाई पर अजय राय ने आजम खान का समर्थन करते हुए कहा था कि बीजेपी सरकार आजम खान पर बदले की भावना से केस करती रही है। कांग्रेस मुसलमानों का पुराना घर है। भले ही आजम खान सपा के नेता हो, लेकिन कांग्रेस उनके लिए हर लड़ाई लड़ेगी। हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। अजय राय यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर आजम खान कांग्रेस में होते तो उनके ऊपर इतना जुल्म नहीं होता। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इस वक्त पूरे प्रदेश में मुसलमानों को जोड़ने पर लगी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद की ज्वाइनिंग के बाद से कांग्रेस लगातार एक्टिव है। कांग्रेस पार्टी ने रालोद के भी प्रमुख मुस्लिम चेहरों को अपने साथ जोड़ा था और अब आजम खान के जरिए कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटरों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। समय समय पर अजय राय कांग्रेस को मुसलमानों का पुराना घर भी बताते रहते हैं। यूपी कांग्रेस के लोग अंदर खाने कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के ज्यादा हितैषी हैं। अखिलेश यादव जिनकी पार्टी के आजम खान नेता हैं, उन्होंने मात्र एक पोस्ट करने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वहीं हमारे नेता अजय राय उनसे मिलकर उनका दुख दर्द बांटना चाहते हैं। हालांकि इस मुलाकात से सवाल ये है कि क्या इससे यूपी कांग्रेस और सपा के बीच चल रही सियासी तल्खियां मिटेंगी या आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।